नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, बिल्किस बानो केस को लेकर मोदी सरकार चारों तरफ अपनी किरकिरी करा चुकी है। देश में ही नहीं बल्कि विदेश से भी मोदी सरकार को लानत भेजी जा रही है। जिस तरीके से 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया और उसी को लेकर के बीजेपी में भी दो पक्ष बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और मोदी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसके बाद मोदी सरकार के कान जरूर खड़े हो गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बिल्किस बानो ने बड़ी जीत दर्ज करी और मोदी सरकार को एक करारा तमाचा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक नोटिस जारी कर दिया है। क्या कुछ खबर में है आगे, मैं आपको बताऊंगी। दैनिक भास्कर की खबर में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने क्या कुछ कहा है। सीजीआई ने जो बातें की कही हैं वो बेहद अहम है। कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है और जो अपराधियों के वकील हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सब आपको बताऊंगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से जो सुनवाई में क्या कुछ सीजीआई ने कहा है। हेडलाइन देखिए, बिल्किस केस पर एससी में सुनवाई, गुनहगारों की रिहाई पर गुजरात सरकार को नोटिस। गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सीजीआई का निर्देश, दोषियों की भी पार्टी बनाओ। तो इस तरीके से जो है पूरी सुनवाई में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मोदी सरकार पर, गुजरात सरकार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा तमाचा मारा है। जिस तरीके से बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, ये महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के साथ एक समझौता है। खबर देखिए आप, खबर में आगे क्या लिखा है। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो रेप के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई की गई। सीजीआई एनवी रवन्ना के सामने दोषियों के वकील ने जब ये दलील दी कि हम इस मामले में पार्टी नहीं है, याचिका हमारे खिलाफ लगाई गई है, इस पर सीजीआई रमन्ना ने सवाल किया कि इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया। अदालत ने इन लोगों को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। खबर में आगे लिखा है, कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार को एक नोटिस भेज दिया है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। गुजरात सरकार को नोटिस भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा है कि भाई इनकी रिहाई जो है वो क्यों हुई है। अब देखिए कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताते हैं। कोर्ट रूम में किसने क्या कुछ कहा है, याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो अपराधियों के वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह रहा है, सीजीआई क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब हम आपको बताते हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा है, दंगों में बहुत लोगों की जान गई, दाहोद में भी ऐसा ही हुआ। बिल्किस और शमीम भागने की कोशिश में थे, शमीम ने बच्चे को जन्म दिया, लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो कहा कि इन लोगों को मारो। 3 साल के बच्चे का सिर जमीन पर पटक दिया गया, गर्भवती का रेप किया गया। रिहाई के संदर्भ में क्या ये जुडिशियल रिव्यू का आधार नहीं है, कपिल सिब्बल ये कहते हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या आप ये कह रहे हैं कि राहत नहीं दी जा सकती, गुजरात सरकार के नियमों के तहत सवाल यह है कि दोषी राहत पाने के काबिल थे या नहीं। गुजरात सरकार ने जो नियम पास कर दिया है, आप सभी वाकिफ है उससे कि किस तरीके से दोषियों की रिहाई को लेकर एक नियम पास किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि गुजरात सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या दोषी रिहाई के काबिल थे या नहीं। आगे सीजीआई एनवी रमन्ना कहते हैं, मैं पहले के फैसले में पार्टी नहीं था, मैंने कहीं देखा कि कोर्ट ने इन लोगों की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। दोषियों के वकील इन सब में क्या कहते हैं सुनिए। दोषियों के वकील कहते हैं, मेरे मुवक्किलों को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, हम लोग तो इस केस में पार्टी भी नहीं है, हमारे खिलाफ याचिका है। इसके बाद सीजीआई क्या कहते हैं, सीजीआई कहते हैं आप लोगों ने इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया। अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल क्या कहते हैं सुनिए। वो कहते हैं, हम राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हम इसे लागू करेंगे। सीजीआई एनवी रमन्ना क्या कहते हैं, गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं, उन्होंने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया, अपना जवाब दीजिए। निर्देश देते हैं कि 11 दोषियों को भी पार्टी बनाई जाए। तो सीजीआई रमन्ना ने जो है गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया और जवाब देने के लिए कहा। अब इससे जो है मोदी सरकार के कान जरूर खड़े हो गए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार की इस पूरे मामले को लेकर किरकिरी हो रही है, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उनके ऊपर लानत भेजी जा रही है। जिस तरीके से एक महिला के साथ 20 साल उन्होंने किस तरीके से खौफजदा होकर गुजारे और अब उनके दोषियों को उनकी आंखों के सामने रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो खुद डरी हुई हैं, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की बड़ी जीत बताई जा रही है। 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि सुनवाई में क्या कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है। मामले की सुनवाई में सीजीआई रमन्ना के अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच थी। गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ माकपा सांसद सुभाषिनी अली,
पत्रकार रेवती लाल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने ये याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद जो है ये मामला फिर से तूल पकड़ने लगा और लोग पूछने लगे कि देश जो है वो किस तरफ जा रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं, देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, सबसे बड़ा जो प्रगतिशील भारत है वो बनने जा रहा है, सबसे बड़ी पावर बनने जा रहा है, लेकिन क्या ऐसे देश में दोषियों को रिहा कर दिया जाता है, वो भी ऐसे जघन्य अपराध के लिए। सीजेआई रमन्ना ने भी यही बात कही कि आप एक बात बताइए कि क्या ये तय नहीं करना चाहिए था कि दोषी रिहाई के काबिल थे या नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको रिहा कर दिया गया। और उसके बाद जो तस्वीरें आईं वो पूरे देश ने देखी, किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले वो 11 दोषी, किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल की मालाएं पहनाई जा रही हैं, जैसे मानो उन्होंने कितना बड़ा काम जो है कर दिया हो, स्वतंत्रता सेनानी जैसे हों वो। इस तरीके की चीज़ें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में बेंच के अन्य दो सदस्य जस्टिस रस्तोगी, जस्टिस विक्रम नाथ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने मई 2022 में फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को सजा में राहत देने का अधिकार है। गुजरात सरकार के पास दोषियों को राहत देने का अधिकार है, जिसके तहत ये दलीलें दी जा रही हैं कि इसी के तहत उन 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से क्या ऐसे अपराधियों को, ऐसे दोषियों को जिन्होंने इतना जघन्य, इतना घिनौना अपराध किया हो जिसे सोचने से भी आत्मा तड़प उठती है, इस तरीके के अपराधों की रिहाई उनको मिलनी चाहिए थी। क्या ये बिल्किस बानो के साथ न्याय है? क्या इसी तरीके का न्यायपालिका जो है काम करती है? बिल्किस बानो खुद कह रही है कि मैंने किस तरीके से थोड़ा थोड़ा जीना सीख लिया, लेकिन अब जो ये खबर मेरे सामने आई है जिस तरीके से मेरे दोषियों को रिहा कर दिया गया है, इसके बाद मैं और खौफजदा हो गई हूँ, मुझे डर लग रहा है, बिना मेरे सुरक्षा के बारे में सोचे, बिना मेरे बारे में सोचे इस तरीके का फैसला लेना कितना सही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है, बाहर से भी इसको लेकर के तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। इस पूरे मामले पर बिल्किस बानो के पति क्या कुछ कहते हैं, आप इससे समझने की कोशिश करिए। बिल्किस बानो के पति कहते हैं कि दंगों के बाद से ही जो परिवार है उनका वो खौफ में जी रहा था। हमने 15 बार से ज़्यादा घर बदला, बिल्किस बानो के पति कह रहे हैं कि हमने 15 बार से ज़्यादा घर बदला, लेकिन अब हम कहाँ जाएं? अब हमें और डर लग रहा है क्योंकि जो दोषी हैं वो आंखों के सामने घूम रहे हैं, अब खुले घूम रहे हैं। इस तरीके से उन दोषियों को रिहा कर दिया है और बिल्किस बानो की सुरक्षा को लेकर एक बार भी सवाल नहीं किया गया, एक बार भी सोचा नहीं गया कि उन पर क्या बीतेगी जब उन्हीं के दोषी उनके सामने खुलेआम घूमेंगे। आपको बता दें कि जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनको ये सजा सुनाई थी, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। हादसे के समय बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वो गर्भवती थी। दंगों में उसके परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बम्बई हाईकोर्ट ने भी आरोपियों की सजा जो है वो बरकरार रखी थी, लेकिन उसके बाद 2022 में जब देश का अमृत महोत्सव मन रहा था, जब हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे थे, उस वक्त बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से दहशत के 20 साल उन्होंने गुजारे खौफजदा होकर के, कि उनको कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या हो सकता है, और अब वो किस तरीके से उस डर में जी रही हैं, उस खौफ में जी रही हैं कि अब न जाने अगले पल क्या ही हो जाए। उनके जो दोषी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, एक बार फिर से वो चीज़ें उनके सामने आ गई। बिल्किस बानो के साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, उसका अंदाज़ा हम में से कोई नहीं लगा सकता। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इस बात का अंदाज़ा हम में से कोई नहीं लगा सकता, उनके ऊपर क्या बीती, किस दर्द से वो गुजरी, किस सिचुएशन से वो गुजरी, किस परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को संभाला, उन्होंने जो है अपनी नई एक ज़िंदगी शुरू की, और उसके बाद आज वो देख रही हैं कि 2022 में जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो उनके दोषियों को रिहा कर दिया गया है। ये मोदी सरकार का विश्वगुरु है, विश्वगुरु भारत है। क्या विश्वगुरु भारत में जो दोषी हैं वो भी ऐसे जघन्य अपराधों के उनको रिहा कर दिया जाएगा? ये मोदी सरकार से एक सवाल है कि किस तरीके से जो है अब महिलाएं उनसे सवाल करेंगी कि आप हमारी सुरक्षा, हमारे सम्मान को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 15 अगस्त के दिन भी पीएम मोदी ने इस तरीके की बातें कही कि नारी सशक्तिकरण ये है और इस तरीके से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिला हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, इस तरीके की बातें की गई, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक तरफ मोदी जी भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जा रहा था, और तो और उनके माथे पर तिलक लगा करके उनको मालाएं पहनाई जा रही थी।
तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देश को शर्मसार करती हैं, एक न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार कब तक महिलाओं के सम्मान के साथ इसी तरह का समझौता जो है वो होता रहेगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।